क्वेश्चन है एनटीपी पर, अभी तक हमने एनटीपी वाला क्वेश्चन नहीं बताया है। तो एनटीपी पहला क्वेश्चन है, एनटीपी पर 11.2 लीटर नाइट्रोजन में उसके अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं एनटीपी होता क्या है। एनटीपी जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान ताप और दाब, क्या बोलते हैं, सामान नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है एनटीपी बोलते हैं, समान ताप और दाब, समान ताप एवं दाब, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर दाब, ठीक। समान ताप और दाब पर किसी गैस के एक मोल अणुओं का आयतन प्रत्येक गैस के एक मोल अणुओं का आयतन आयतन 22.4 लीटर होता है। ये होता है इसे मोलर आयतन भी कहते हैं, इसे मोलर आयतन भी कहते हैं, ठीक। ये है आपका समान ताप और दाब पर एनटीपी। एनटीपी क्या होता है, समान ताप और दाब पर, मतलब चाहे कमरे का ताप हो चाहे दाब हो, प्रत्येक गैस के एक मोल, कोई भी गैस लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोई भी गैस, प्रत्येक गैस के एक मोल अणुओं का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, इसे हम मोलर आयतन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है एनटीपी पर 11.2 लीटर नाइट्रोजन में उसके अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे सबसे पहले हम इसके लिए मोल समीकरण लिखेंगे, मोल एक मोल नाइट्रोजन, वन मोल नाइट्रोजन इक्वल क्या हो जाएगा, 6.02 × 10³। क्या है ये, अणु है तो अणु हो जाएगा, ठीक। और इसमें इसका आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। आप पर इसका द्रव्यमान लिख लीजिए, आणविक द्रव्यमान, नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 14 होता है, 14 ग्राम, और आयतन होगा 22.4 लीटर। ये होता है इसका मोल इक्वेशन लिख लिया नाइट्रोजन का, एक मोल नाइट्रोजन इक्वल इतना अणु बराबर आणविक द्रव्यमान क्या होगा नाइट्रोजन का 14, और एक मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, तो इसको भी हम यही लिख लिए हैं। अब बोला है 11.2 लीटर नाइट्रोजन में उसके अणुओं की संख्या। अब मुझे पता है कि इतने लीटर में कितने अणु हैं, इतने अणु हैं, हम लिख लेंगे, इसका यहाँ से कनेक्शन है सीधे, अणुओं की संख्या पूछा है तो हम आयतन से कहाँ जाएंगे, लीटर से अणु में जाएंगे, तो लिख लेंगे 22.4 लीटर इक्वल 6.02 × 10³ अणु, ठीक। ये हो गया 22 लीटर का। अब एक लीटर में कितना आ जाएंगे, एक लीटर में अणुओं की संख्या 6.02 × 10³ / 22.4। अब कितने लीटर में निकालना है, 11.2 लीटर में निकालना है, तो गुणे 11.2। अब इसको हम क्या करेंगे, सरल कर देंगे, तो 1 जा 2 जा ये कट जाएगा, जब हम इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा आपका ये, ठीक। तो 1 लीटर में अणुओं की संख्या क्या आ गया, 1 लीटर में अणुओं की संख्या आ गया 3.01 × 10³। ये आपका हो गया आंसर।
ठीक, चलिए एक बार और देख लीजिए। एनटीपी, ये क्वेश्चन है आपका, एनटीपी पर इतने लीटर नाइट्रोजन में उसके अणु, एनटीपी होता क्या है ये देख लीजिए आप। समान ताप, कोई भी समान ताप पर दाब पर अगर कोई भी गैस लीजिए तो उसके अणु का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। इस आयतन को हम मोलर आयतन भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले मोल समीकरण लिख लेंगे, तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मोल समीकरण लिखेंगे। एक मोल नाइट्रोजन, अणु की संख्या कितना आता है एक मोल में, 6.02 × 10³। आणविक द्रव्यमान नाइट्रोजन का 14 ग्राम और उसमें कितने लीटर पर, आयतन क्या है 22.4 लीटर। अब बोला है कि इतने लीटर में नाइट्रोजन की अणुओं की संख्या, तो 22.4 लीटर में इतने अणु, तो 1 लीटर का सबसे पहले निकाल लेंगे तो इतना बटे इतना कर देंगे। अब निकालना कितने का है, 11 लीटर का, तो 11.2 करके इसको सरल कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 1 से 2 जा ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो आया क्या 3.0 × 10³। यह है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या तथा एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में परमाणु की संख्या बस पूछा था, इसमें उसका आयतन भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल समीकरण लिखेंगे, तो लिख लेंगे 1 मोल हीलियम इक्वल कितने परमाणु की संख्या, 6.02 × 10³। हीलियम का अणु है तो आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हीलियम का 2, तो 2 × 2 = 4 होगा। और एनटीपी पर आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर। यह आपका मोल समीकरण है, ये हम कहीं से नहीं लाए हैं, आपके ये मोल समीकरण का सूत्र ही है। एक मोल कुछ भी आप एक मोल लीजिए तो इतना अणु आएंगे और उसका आयतन 22.4, समान ताप और दाब पर उसके अणु कितने होते हैं, 22.4 लीटर उसका आयतन होता है। अब हम बोला क्या है, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या, अब मुझे पता है कि 4 ग्राम हीलियम में इतने परमाणु हैं, 4 ग्राम लिख लेंगे, 4 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या 6.02 × 10³ है, तो 1 ग्राम हीलियम में क्या आ जाएगा, 1 ग्राम हीलियम में 6.02 × 10³/4। ठीक, इसको आप सरल कर दीजिए तो हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 ये, और 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, यह हो गया आपका, तो ये हो गया 1.50 × 10³ परमाणु है, तो क्या हो गया, परमाणु। ठीक, ये तो निकल गया परमाणुओं की संख्या। अब बोला है एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए, तो एनटीपी मतलब लीटर, आयतन की बात कराए तो आयतन की बात कराए तो मतलब लीटर देखना है मुझे, तो बोला है कि इतने लीटर, वन ग्राम में कितने लीटर आयतन आएगा, तो 4 ग्राम का इतना लीटर होगा, तो 1 ग्राम का निकाल लेंगे, लिख लेंगे 4 ग्राम हीलियम का आयतन, हीलियम का लिख ले, पूरा ही लिख लेते हैं, 4 ग्राम हीलियम का आयतन 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम हीलियम का आयतन क्या हो जाएगा, हीलियम का 1 ग्राम हीलियम का आयतन हो जाएगा 22.4/4। ठीक, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, कितना आ गया, 5.6 लीटर आंसर। एक बार देख लीजिए, 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। बोला ये तो मोल इक्वेशन है, सिंपल सा मोल इक्वेशन लिख दिए हैं, इसमें बोला है कि 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या, सबसे पहले हम परमाणु देख लेते हैं, तो 4 ग्राम में इतने परमाणु, 4 ग्राम हीलियम में इतने परमाणु, तो 1 ग्राम हीलियम में कितने परमाणु आ जाएंगे, 1 ग्राम हीलियम में इतना बटे इतना, इसको हम सरल कर देंगे तो इतना आ गया। अब बोला है एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए, तो 4 ग्राम हीलियम का आयतन 24.4 लीटर है, तो 1 ग्राम हीलियम का आयतन 22.4/4, जब हम इसको सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5.6 लीटर। 40 ग्राम ऑक्सीजन की निम्नलिखित गणना कीजिए, मोल संख्या, उपस्थित अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, दी गई गैस का एनटीपी पर आयतन। सबसे पहले हम कुछ नहीं, सबसे पहले जैसा आज जब आपको मोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप मोल समीकरण लिखिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, अणु है,
बोला है उपस्थित अणुओं की संख्या, परमाणु नहीं अणुओं की संख्या। तो अणु मतलब क्या हो जाएगा, दो ऑक्सीजन हो जाएगा ओ टू, उपस्थित एक मोल ओ टू कितने अणु, 6.02 × 10³। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16×10³। इक्वल एनटीपी पर आयतन कितना हो जाएगा, 22/4 लीटर। ये हो गया आपका मोल समीकरण। अब बोला है मोल संख्या, सबसे पहले क्या पूछा है कि मोल संख्या 40 ग्राम ऑक्सीजन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। 40 ग्राम ऑक्सीजन के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। अब सबसे पहले तो ग्राम पूछा है, तो हम ग्राम को देखेंगे। ग्राम से क्या पूछा है, मोल संख्या, तो ग्राम से हम मोल जाएंगे। ग्राम से कहाँ चले जाएंगे, मोल। इससे और इससे मुझे मतलब ही नहीं है, हमें इसको और इसको देखना है। तो बोला है मोल संख्या, तो एक मोल में 32 ग्राम, या आप लिख लीजिए 32 ग्राम में एक मोल, 32 ग्राम में एक मोल। तो कितने, अब एक ग्राम का हम निकाल लेंगे, तो एक ग्राम का कितना आ जाएगा, एक मोल बटे 32। अब कितने ग्राम का निकालना है, 40 ग्राम का, तो क्या हो गया यहाँ 40। अब इसको हम सरल कर देंगे तो क्या हो गया, 40/32, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। कितने मोल आ, कितना मोल आ गया, 1.25 मोल। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। एकदम सरल है, कुछ नहीं है, तो पहले भी आप पढ़ चुके हो। एक मोल इतना, तो सीधे ग्राम से मुझे मोल देखना है, तो 32 ग्राम, यहाँ क्या है ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम का होगा एक मोल। तो ये एक, सबसे पहले तो हम एक ग्राम का निकालेंगे, तब तो मुझे हम आगे 40 ग्राम का जो भी है उतने ग्राम का निकाल पाएंगे। सबसे पहले मुझे एक का पता रहेगा, तब हम 2, 3, 4, 5 का निकाल लेंगे। सबसे पहले हम एक ग्राम का निकालेंगे, तो एक ग्राम का हो जाएगा 10/10, तो ये हो जाएगा एक एक मोल बटे 32 गुणे 40 ग्राम का निकालना है, तो 40, तो 40/32 हो जाएगा। तो इसको हम सरल कर देंगे, तो क्या आ गया, 1.25 मोल। अगला है उपस्थित अणुओं की संख्या, ये है, ये था आपका अ नंबर। अब ब नंबर में दिया है उपस्थित अणुओं की संख्या। अब मुझे किसका किसका कनेक्शन है, इसको हटा के अब हमें अणु देखना है। ग्राम से कहाँ जाना है, अणु में। अब लिख लेंगे हम सिंपल सा, 32 ग्राम में कितने अणु हैं, 6.02 × 10³ अणु है। 32 ग्राम में इतने अणु है, तो सबसे पहले एक ग्राम में निकाल लेंगे, तो एक ग्राम में अणुओं की संख्या क्या आ जाएगी, एक ग्राम में अणुओं की संख्या आ जाएगी 6.02 × 10³ 32। कितने ग्राम का निकालना है, 40 ग्राम का इंटू 40। ठीक, अब तो इतना मुझे पता है कि हम 40 में 30 का भाग दिए हैं, 40 में 32 का, तो क्या आया है, 1.25 आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6.02 × 1.25। ठीक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा 10³ × 1.25। ठीक, जब हम इसका गुणा करेंगे तो कर लेते हैं, यहीं पर गुणा 6.02 × 1.25, 5 × 2 = 10, 1 × 6 = 30, 2 × 2 = 4, 0 × 2 = 12, 1 × 2 = 0, 6 आ गया 0, 5, 2, 5, 7। ठीक, 4 अंक के बाद दशमलव लगा लग जाएगा, तो यहाँ आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7.52 × 10³। हमें दशमलव के दो ही अंक तक जाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7.52 के जगह 3 लिख देते हैं। एक संख्या बढ़ जाती है, 5 से ऊपर रहता है तो बढ़ जाता है, 5 से नीचे तक घट जाता है, चाहे आप वो तो 5 बीच में है, तो चाहे आप 3 लिख लीजिए चाहे 2 लिख लीजिए। ये हो गया आपका इतने ग्राम अणुओं की, 40 ग्राम में अणुओं की संख्या इतना आ गया। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब ये 125 कहाँ, 1.25 कहाँ से आया, जब हम 40 में 32 का भाग करेंगे, तो ये देखिए आपके आपका यहाँ पर आ गया है 1.25। जब हम 1.25 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिला। अब परमाणु पूछा है स नंबर में, परमाणु की संख्या, ये तो मुझे एक ओ का निकला है, ओ का। अब ओ का ओ क्या है, परमाणु की संख्या। अब अणु की संख्या में हम जब परमाणु गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा, तो ये हो गया 7.52
थ्री इंटू टेन के पावर 23 इंटू टू। टू क्यों किए हैं? क्योंकि ये ओ टू क्या है, अणु है। जब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो दो परमाणु आ जाएगा, जब दो परमाणु आ जाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, दो का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका तीन दुना छः, पाँच दुना दस, सात दुना चौदह, ये 15 इंटू टेन के पावर 23 हो गया आपका आंसर। हम दशमलव को इधर ले आएंगे, वैज्ञानिक संकेतन में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.506 इंटू, ये हम एक दशमलव के एक अंक पहले गए हैं तो ये हो जाएगा 24। ठीक, आपका आंसर दोनों सही है लेकिन आप ये वाला ही ज़्यादा अच्छा है। अब अगला क्वेश्चन है, दी गई गैस का एनटीपी पर आयतन। अब बोला है दी गई गैस का एनटीपी पर आयतन। ठीक, अब मुझे किसका किसको देखना है, द नंबर में है, अगले क्वेश्चन में देखना है दी गई अणु का एनटीपी पर आयतन। दी गई गैस का एनटीपी पर आयतन, तो ये 22.32 ग्राम में कितना आयतन है लिख लेंगे यहाँ पे, 32 ग्राम में कितना आयतन है, 22/4 लीटर, तो एक ग्राम में कितना आ जाएगा, 22/4 इंटू 32, अब कितने ग्राम का है, 40 ग्राम का, तो इंटू क्या कर देंगे 40, तो ये हो जाएगा आपका 22.4 इंटू 40 का हम जब भाग किए थे तो ये आया था 25, जब गुणा करके देख लेते हैं, ट्वेंटी टू बाई फोर पॉइंट फोर 1.25 गुणा कर लीजिए, 5 × 20 की सुन हासिल बचल 2, 5 × 2 = 10 तो 12, 5 × 2 = 11, 4 × 2 = 8, 2 × 4 = 4, 2 × 2 = 4, 1 × 4 = 4, 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, जोड़ देंगे 0, 8 × 2 = 10, 4 × 4 = 8, 1 × 9 = 10, और ये हो गया 4 × 2 = 6, 1 × 7 = 1, 8, और ये हो गया 2, 3.3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ गया गुणा करने पे 28 लीटर आंसर। ठीक, ये हो गया आपका दी गई परमाणु का गैस में दी गई गैस का आयतन निकल गया 28 लीटर। ये आपका एनटीपी वाला क्वेश्चन था, वैसे तो मैंने मोल वाला सारे क्वेश्चन ही बता दिए हैं, अवग्रहदे संख्या भी बता दिए हैं, अब एनटीपी रह गया था तो एनटीपी का क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो सबसे पहले आप मोल इक्वेशन लिखिएगा, फिर इस तरह से किसका किसका कनेक्शन है देख के आप आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक वैज्ञानिक संकेतन, जरा देखते हैं वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। इसमें विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो रसायन विज्ञान में बहुत सारे अति सूक्ष्म कण होते हैं जिनका हम माप या जिनको हम किस संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं। रसायन शास्त्र में अति सूक्ष्म एवं विशाल संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। आप इसको परिभाषा लिखे ना लिखे उससे मतलब नहीं है, बस समझ लीजिए रसायन शास्त्र में अति विशाल संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप पहले ही पढ़ा दिए कि परमाणु या अणु, परमाणु या अणु जैसे एक मोल में परमाणु की संख्या 6.02 × 10³, ये वैज्ञानिक संकेतन में ही तो लिखा गया है, वरना इसको आप ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 602, ऐसे आपको कितने जीरो मिलेंगे, 21 जीरो, ऐसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये हो जाएगा इसका, जब हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो इसको इस तरह से मिलेगा हमें। तो रसायन शास्त्र की भाषा में या रसायन विज्ञान में क्या होता है, अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जैसे प्रकाश का वेग कह लीजिए, प्रकाश का वेग इसको बहुत मतलब इसका जो संख्या होता है बहुत लंबी संख्या होता है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसे छोटा करके लिखने का तरीका 10 का आधार मानकर शुरू कर दिया। जैसे वैज्ञानिक संकेतन का एक सूत्र होता है n × n के पावर 10, ये होता है मेन चीज़ इसका। यहाँ पे जो ये n है कैपिटल n है,
ये जो कैपिटल एन है ये क्या है, 1.00 या 9.999, इसके बीच की कुछ भी संख्या हम ले सकते हैं, है इसके बीच की कोई संख्या ले सकते हैं, ठीक। ये वैज्ञानिक संकेतन में है कि n इक्वल बराबर आप इतना लीजिए, मतलब हमेशा एक ही अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए वैज्ञानिक संकेतन में, एक ही अंक के बाद आगे पॉइंट होना चाहिए। जैसे इतना लिखा है, इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 1 2 1 2, हम पॉइंट को कहाँ ले आएंगे, यहाँ, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, इसको छोटा रूप में लिखेंगे तो 3.45 इंटू टेन के पावर, ये हम कि दशमलव के कितने अंक के पहले गए हैं, 1 2 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, ये हो गया आपका वैज्ञानिक संकेतन में। और ये जो n है, स्मॉल n है, स्मॉल n ये धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जैसे अगर हमें, जैसे ये तो ये मिल गया, ठीक। आगे अगर मुझे संख्या लेना है 0 0 3 4 5 6, और दशमलव कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, ठीक। इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस दोनों जीरो का, तो इस जीरो को हम उठा के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। तो जब हम दशमलव को दाया साइड ले जाते हैं तो वहाँ हो जाता है आपका 10 के पावर -2, ये संख्या भी हो जाएगा यहाँ 3, ये हो गया आपका धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 3 4 8.967, इसको अगर बोल दिया जाए कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले हमें यन देखना है। तो यन क्या है, 1.0 या 9.9, मतलब हमको इस जीरो को ले आके कहाँ लाना है, यहाँ लेना, मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, सिंपल सा समझ लीजिए। तो बाई ओर जाके, सबसे पहले बाई ओर जाएंगे, बाई ओर जाने के बाद जो सार्थक अंक है उसके एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इस दशमलव को, इस पॉइंट को उठा के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले आएंगे, तो हो जाएगा 3.48977 गुणे, ये जो यन है, हम यन को क्या मान लेंगे, 10, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, कितने अंक के पहले गए हैं, 2 अंक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2 हो गया आपका। जैसे और संख्या ले लीजिए आप, 0.00456, ठीक। इसको आपको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में, तो आप कैसे लिखेंगे, हम इस 4 को, इस 0 को कहाँ ला जाएंगे, ये यहाँ ले आएंगे पॉइंट को, ठीक। अब जब हम इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो हम किस साइड जा रहे हैं, दाएं साइड जा रहे हैं, तो जब हम दाएं साइड जाएंगे तो क्या, यन के पावर क्या हो जाएगा, माइनस, ये जो यन है, यन जो 10 जो लिखा है घात, उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो हम यहाँ दशमलव है, यहाँ से 1 2 3 संख्याओं के बाद गए हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4.568 × 10⁻³। हम ये जीरो नहीं लिखे क्योंकि इस जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है। इसी तरह वैज्ञानिक संकेतन में गुणा भाग भी होता है, तो एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जैसे आप जोड़ना है, आपको लीजिए वैज्ञानिक संकेतन में आप इसको जोड़ना है, जोड़ के फिर जो आंसर आएगा उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। सबसे पहले तो हम इसको जोड़ेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। तो ये जो 5 है और ये 6 है, इसको हम 10⁵ को बाहर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें, 3.36 प्लस, जब इसमें तो 1 10 रह गया, तो 1 10 रह गया, तो जब हम 1 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2 2 9.60,
ये हो गया आपका आंसर। ठीक, मतलब इसको हम सरल के ये नहीं समझ में आया तो देखिए जैसे इसको कैसे करेंगे, 9 6, ठीक, 5 को तो हम बाहर निकाल लिए, बचा क्या है 1 10 बचा है, तो 1 10 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 6 0 हो जाएगा। अभी दो अंक के बाद ही दशमलव लगाना है तो दो अंक के बाद यहाँ आएगा, तो मतलब 2 9.60। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको किस तरह जोड़ते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रहता है दशमलव की जोड़ में, तो ये हो जाएगा आपका 2 9 6 0, तो हो जाएगा 0 9 9 3 12 और ये हो गया 3, तो क्या आ गया आपका 3 2.96 × 10^5 ये आ गया। ठीक, अब मुझे इसको लिखना कैसे है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए मुझे इस दशमलव को कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है। जब इस दशमलव को यहाँ पर लाना है तो मुझे क्या करना होगा, 3.296 × ये 10^5 है, जब एक अंक पहले गए हैं हम तो एक अंक पहले गए हैं तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6, ये हो गया आपका आंसर। इसको आपको हल करना है, ठीक, इसका जो आंसर आएगा उसको किस रूप में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों का हम सामान ले लेंगे, जो दोनों में बाहर निकले वो निकाल लेंगे, 10^5 जो 6 है निकल जाएगा बाहर, तो इसमें ले लेंगे 10^-6 बाहर आ गया, तो बचा 3.5 माइनस, इसमें 1 10 बच जाएगा, तो इसका जब 1 10 बच जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 11.5 × 10^-1 है, इसमें क्या है 10^-1, तो जब हम इस 10^-1 को जब हम प्लस में करेंगे तो 11.5/10 आ जाएगा, गुणे 1/10 लिख लीजिए ना, समझ में आए तो, ठीक, क्योंकि माइनस 1 को मुझे प्लस में करना है तो 1/10 आ जाएगा, जब 1/10 आ जाएगा तो यहाँ भाग 10 का इसमें भाग कर देंगे तो ये दशमलव यहाँ से कहाँ चला आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1.15 हो गया। अब इसका हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3.5 1.15, यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 10 में 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा, 4 में 1 निकालेंगे 3 आएगा, और 3 में 1 निकालेंगे 2 आ गया, क्या आ गया 2.35 × 10^-6। ये तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ दिख ही रहा है, ये आपका क्वेश्चन हो गया 2.5 × 10^6 4.0 × 10^7। ठीक, क्या करना है, इसको गुणा करके जो उसका आंसर आएगा उसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो हम देख लेंगे सबसे पहले गुणा कैसे करेंगे, तो 2.5 × 4.0 आपको पता है, पढ़ चुके हैं आप कई बार, छठवीं सातवीं में ही पढ़ चुके हैं कि जब आधार बराबर होता है तो घात गुणा में घात जुड़ जाता है, तो ये दोनों आधार इसका बराबर है तो हम गुणा में घात क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक, जब इसको हम हल करेंगे तो 25 × 100 आ गया, ठीक, दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10^13, तो ये हो जाएगा आपका 10। अब हम मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, तो इस पॉइंट को जब यहाँ लाना है तो क्या हो जाएगा 1.0, आगे अब कितना भी जीरो लगा लो, 1.0 × 10^3, 1.0 × 10^14। ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, सिंपल गुणा है, गुणा में घात जुड़, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घात जुड़ जाता है, ये दोनों 10 10 है तो जब दोनों 10 10 है 6+7 कर देंगे तो 6+ इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा, जोड़ेंगे तो ये आ गया। ठीक, जब हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो इसको मुझे इधर यहाँ लाना है, तो एक अंक पहले गए हैं तो 13 और 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हो गया आपका वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ। अब आगे देख लेते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं। ठीक, अब हम सार्थक अंक देख लेते हैं। सार्थक अंक की कुछ शर्तें हैं, शून्य के अतिरिक्त सभी अंक सार्थक होते हैं, शून्य के अतिरिक्त जितने भी 1 से 9 तक जितनी अनंत गिनती है जितना भी वो सब सार्थक होते हैं, बस उसमें शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य असार्थक है। जैसे तो 0 1 5 ये तो अंक है तो ये सार्थक हुआ, लेकिन इस 0 का कुछ मान नहीं है तो ये क्या है, असार्थक है। तो सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ सार निकले, जिसका कुछ अर्थ निकले, वो सार्थक शब्द कहलाता है। तो बोला है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, शून्य के अतिरिक्त सभी अंक सार्थक होते हैं, दो अंकों के मध्य
दो अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक होते हैं। दो अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक होते हैं। जैसे ये दिया है, ये दो अंक है, 1 और 5, इसके बीच में जो ये दो जीरो हैं वो भी क्या है, सार्थक है। तो दो अंकों के मध्य है, या आप कह सकते हैं कि दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंक, अशून्य मतलब जो शून्य ना हो, तो दो अशून्य अंकों के मध्य के बीच में जो शून्य अंक होता है वो भी क्या होता है, सार्थक होता है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2 0 0 4, तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए, 4 सार्थक अंक हुए। अगर हम इसको और आगे बढ़ा दिए तो 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। लेकिन अगर यही अगर हम लिख दें तो इसमें कितने सार्थक अंक आएंगे, इस 0 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो अब इसमें 1 2 3 कितने सार्थक अंक आएंगे, 3 सार्थक अंक आएंगे। ये इसको आप अगर और आगे बढ़ाइए तो इसमें 4 आ जाएंगे, और आगे बढ़ाइए तो 5 आ जाएंगे। लेकिन अगर इधर आप कोई 0 बढ़ाते हैं तो ये कोई सार्थक अंक नहीं होगा। अगर इसी 0 के जगह अगर आप 4 लिख देते हैं तो ये क्या होगा, सार्थक अंक माना जाएगा। ठीक, अब अगला है, दशमलव के पश्चात, दशमलव के पश्चात किसी अंक के बाद, दशमलव के पश्चात मतलब बाद में किसी अंक के बाद वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। जैसे इसमें बोला है 2.050 में 5 सार्थक हैं। दशमलव के पश्चात, दशमलव के बाद जो ये 0 है ये क्या है, सभी सार्थक हैं। अगर हम इस दशमलव को हटा दें, जैसे 2.050, अगर इस दशमलव को हम हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 20,500। ये 20,500 इसका कुछ अर्थ निकला, 20,000 हो गया, तो ये क्या हो गया, एक सार्थक अंक हो गया। प्रथम अंक के पूर्व, प्रथम अंक के पूर्व सभी शून्य असार्थक। जैसे आपको हमने पहले ही बता दिया था कि जैसे ये दशमलव है, ठीक, इसके पहले जितने भी शून्य होंगे सब असार्थक होंगे। दशमलव के पहले मतलब दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक के पहले, कोई अशून्य अंक के पहले जो सब 0 होगा, शून्य होगा, वो क्या होगा, असार्थक होगा। जैसे लिखा है प्रथम अंक के पूर्व, प्रथम अंक के पूर्व सभी शून्य असार्थक होते हैं। जैसे इसमें बोला है ये प्रथम अंक मान लीजिए, ये पहला नंबर है तो है लिखा हुआ नहीं है ये, तो ये हो गया 0.0020 में कितने सार्थक अंक आएंगे, 1 और 2 कितने सार्थक अंक आएंगे, 2 सार्थक अंक आएंगे। क्योंकि इस 0 का तो कुछ मान ही नहीं है, है तो इस 2 और 0 का इसमें बताया ही है कि प्रथम अंक के पूर्व, प्रथम अंक पूर्व मतलब पहले, प्रथम अंक के पूर्व सभी शून्य असार्थक होते हैं। फिर बोला है दशमलव विहीन संख्याओं में अंतिम अंक के दाईं ओर वाले शून्य सार्थक नहीं होते। अब देखिए बहुत समझने वाली बात है, मान लीजिए क्या है, क्वेश्चन है, ठीक। अब बोला है दशमलव विहीन, दशमलव विहीन का मतलब होता है जिसमें दशमलव का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसमें पॉइंट नहीं लगाया गया है, तो क्या होता है, दशमलव विहीन संख्या होती है। और दशमलव विहीन संख्याओं में अंतिम अंक के दाई ओर, मान लीजिए अंतिम अंक है, अंतिम अंक के दाई ओर, अंतिम अंक के दाई ओर मतलब ये तो अंतिम अंक ये हुआ, ठीक, इधर और आप 0 बढ़ा लीजिए, अंतिम अंक के दाई, ये तो इसका दायां हुआ और ये इसका बायां हो गया, तो अंतिम अंक के जो दाई और जो 0 हैं उनको हम असार्थक नहीं मानेंगे, जब हम इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में सार्थक बना सकते हैं। जैसे आपको दिया है इसी संख्या वैज्ञानिक संकेतन द्वारा दर्शाई जाती है, जैसे ये लिखा है 3 दोनों 0, ये दोनों 0 क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे। तो जब ये दोनों 0 सार्थक नहीं होंगे तो इसमें कितने सार्थक अंक आएंगे, 4 सार्थक अंक आएंगे। जब 4 सार्थक अंक, तो इसको जब दशमलव विहीन संख्या होती है तो उसको हम किस रूप में लिख देते हैं, वैज्ञानिक संकेतन में लिख देते हैं। जब हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1025 00। तो वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखते हैं, एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1.025 × 10⁻¹। कितने अंक के पहले हम गए हैं, 2 2 4 1 5, तो ये हो जाएगा 10 के घाते। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एक दो और एग्जांपल आपको बता देते हैं।
6 3 4 0 0 0। ठीक, अब तो ये दशमलव वही संख्या है। जब दशमलव वही संख्या है तो जो अंक है उसके बाद की जो उसके दाएं साइड का जो जीरो है, उस जो संख्या है अंतिम संख्या, जो अंतिम संख्या है उसके बाद की जो अंक जीरो है उसका तो कुछ मान ही नहीं है। जब उसका कुछ मान नहीं है तो इसमें कितने सार्थक अंक है? तीन सार्थक अंक है। इसमें अगर सार्थक अंक की बात किया जाए तो 1 2 3 हम लिखेंगे, तीन सार्थक अंक है, तीन सार्थक अंक है। अब जब तीन सार्थक अंक है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? जब दशमलव विहीन संख्याओं को हम वैज्ञानिक संकेतन में सार्थक बना सकते हैं तो इसको लिख देंगे 6.34 × 10⁻¹। कितने अंक के हम इकाई से देखेंगे, कितने अंक के पहले गए हैं? तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 10⁵। और ले लेते हैं 9 8 0 2 0 0। ठीक, जीरो हटा देते हैं। अब देखिए हम इसमें इसको इसमें कितने सार्थक अंक है? इसमें तो चार सार्थक है, इसका तो कुछ मान ही नहीं है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चार सार्थक अंक हैं, चार सार्थक अंक हैं। अब इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 9.802 × 10⁻¹। 1 2 3 4 अंक के पहले गए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ने के बाद हमको इसको सार्थक अंक के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो हम इसको जोड़ ही लेंगे, 0.58। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 4.565। 8 5 13 6 5 11 1 12 और 4 1 5 2 3। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, ये तो जोड़ने पर आया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो सबसे ऊपर की संख्या होती है या जिसमें न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसके जितने सार्थक अंक हैं जो आंसर आया रहता है उसको उतने ही सार्थक अंक में बनाते हैं। अब देखते हैं इसमें इतना जोड़ने पर ही आया। अब जैसे पहली संख्या क्या है, न्यूनतम सार्थक अंक, मतलब दशमलव के बाद जो न्यूनतम सार्थक अंक है, जितना अंक है उतना योगफल के बाद भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। तो इसमें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक है तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 ही सार्थक अंक होना चाहिए। इसे इस तरह के और क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया 9.98 + 62. इतना ठीक, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हम इसको जोड़ लेते हैं 9.9862.05। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 5 13 9 1 10 9 2 11 1 12 और 6 1 7। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कि कितने दशमलव के बाद कितने सार्थक न्यूनतम सार्थक अंक हैं। तो दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक दोनों में 2 ही है तो दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक 0 2 ही आया है। अगर 0 2 नहीं आता है, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ कुछ संख्या और है, मान लीजिए हाँ अगर हम 4 लिख देते तो यहाँ 4 आ गया। जब यहाँ 4 आ गया तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, तब ये सार्थक अंक के रूप में जब हम बनाएंगे, जब इसको हम सार्थक अंक के रूप में बनाएंगे तो इस जैसे इसको सीमित करेंगे, 3 4 को हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये हो जाएगा 27.74 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि 2 ही सार्थक अंक में बनाना है, मान ये क्वेश्चन है। ठीक, हम इसको जोड़ लिए। अब इसमें बोलता है कि आप जितना न्यूनतम जो सार्थक दशमलव के बाद जो न्यूनतम सार्थक अंक है और जो आपका योगफल आ रहा है, आप उतने दो जितना न्यूनतम सार्थक अंक है उत्तर भी उतने ही सार्थक अंक में होना चाहिए। तो जैसे इसमें है 3 4, इसमें तो 3 सार्थक अंक हो गए जब दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद जब 3 सार्थक अंक हो गए तो हम इसको क्या करेंगे, 2 सार्थक अंक में बनाएंगे। जब 2 सार्थक अंक में बनाने के लिए एक नियम होता है कि जब उसको जब छोटा करेंगे, सार्थक न्यूनतम सार्थक अंक के रूप में लिखेंगे, तो अगर 5 है तो 5 से बड़ी संख्या है तो हम उसको एक संख्या प्लस करके लिखते हैं, अगर 5 से छोटी संख्या है तो जितना रहता है उतना ही रहता है। तो ये 5 से छोटा, 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो अगर यहाँ 3 है तो 3 ही रहेगा। अगर इस 4 के जगह 6 होता तो हम इस 3 को आगे बढ़ाकर यहाँ क्या लिख देते, 4 लिख देते। ये होता है सार्थक अंक। ये जोड़ हो गया, घटाना देख लीजिए एक अंक को, जैसे हो गया 3 4.26 - 2.456। ठीक, इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3 4 2 6 2.456, यहाँ क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो ये इसको माइनस कर देंगे तो 10 में 6 निकालेंगे, क्या आ गया,
चार आ गया, ये हो गया फाइव, है ना, फाइव में फाइव जीरो आ गया, ठीक। बारह में चार गया आठ आ गया, ये हो गया तीन में दो एक, और ये दो हो गया, सॉरी तीन का तीन उतर गया, ठीक। ये आ गया आपका, ठीक। अब हम इसमें देखेंगे कि न्यूनतम दशमलव के पश्चात, दशमलव के पश्चात न्यूनतम सार्थक अंक, दशमलव के पश्चात न्यूनतम सार्थक अंक कितना है, दो है। दशमलव के पश्चात न्यूनतम सार्थक अंक दो है, तो हमें दशमलव के पश्चात न्यूनतम सार्थक अंक दो ही रखना है। तो जब हमें दो ही रखना है तो ये जीरो फिर है, तो हम इस आठ को आठ जीरो ही लिखेंगे। अगर यहाँ फोर के जगह सिक्स सेवन एट रहता तो हम यहाँ क्या लिख देते, वन लिख देते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया, ठीक। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 4.56 इंटू 3.2, दो छक्का 12, पाँच दो नौ 10, 11, चार दो नौ 8, 1, 9, 36, 18, पाँच तीन 15, 1, 16, चार तीन 12, 1, 13, 2, 8, 1, 9, 9, 6, 15, 3, 1, 4, और ये हो गया 1, 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये आ गया आपका गुणा करने पर 4.6, जब हम गुणा करेंगे तो ये आ गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव के पश्चात न्यूनतम सार्थक अंक, तो दशमलव के पश्चात न्यूनतम सार्थक अंक ये एक ही सार्थक अंक है, तो हम इसको दशमलव के पश्चात एक ही सार्थक अंक में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 14., ये देखिए 592 है, ये 9 क्या है, 9 5 से बड़ा है, तो यहाँ 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, 6। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया सार्थक अंक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।